नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। बिजनौर के नजीबाबाद में बनी पानी की टंकी पर आत्महत्या करने के उद्देश्य से चढ़ा युवक। घटना स्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस, जीआरपी पुलिस और वन विभाग की टीम व फायर सर्विस। टीम ने 6 घंटे रेस्क्यू कर युवक को नीचे उतारा और CSC अस्पताल में भर्ती कराया। जी हाँ, आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के आदर्श नगर रेलवे कॉलोनी की पानी की टंकी पर आत्महत्या करने के उद्देश्य से ग्राम कामगारपुर निवासी कपिल चढ़ गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर CEO गजेंद्र पाल सिंह नजीबाबाद के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग की टीम, वन विभाग, GRP, RPF सहित कई टीमों ने पानी की टंकी के नीचे जाल बिछाकर अग्निशमन के विजय जावाज सिपाही को ऊपर भेजा। लगभग 6 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को पानी की टंकी से सकुशल नीचे उतार कर और CSC में भर्ती करा दिया गया। की टंकी के ऊपर आप जो चढ़े हुए हो, धूप में बैठे हुए हो, आ जाओ नीचे उतर आओ। आपकी कोई समस्या है तो बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, आपकी पूरी मदद की जाएगी। नीचे उतर आओ, ऊपर धूप में बैठे हुए हो, नीचे उतर आओ, आकर के बताओ, पूरी मदद की जाएगी। आज सुबह 7 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति अज्ञात पानी की टंकी पर चढ़ गया है। आदर्श नगर कॉलोनी है, उसमें रेलवे कॉलोनी में आदर्श पानी टंकी बनी हुई है। अज्ञात व्यक्ति की सूचना मिली पानी टंकी पर चढ़ा हुआ है। मौके पर तुरंत SFO अपनी पुलिस फोर्स के साथ आए और साथ में फायर सर्विस के जो सब इंस्पेक्टर हैं वो अपनी मेयर फोर्स के आए। चारों तरफ जाल लगाया गया, उसको उतारने की कोशिश की गई। माइक से उसको सूचित किया गया, अनाउंस किया गया। जनता के सहयोग से, मीडिया कर्मियों के सहयोग से उसको नीचे उतारने का काफ़ी प्रयास किया गया। प्रयास करने के उपरांत में पुलिस को सफलता मिली, फायर सर्विस के कर्मियों को सफलता मिली। उसको उतार करके सीधे समीपुर CSC हॉस्पिटल भेज दिया गया है। प्राथमिक उपचार के उपरांत ही पता चलेगा कि वो ऊपर पानी टंकी पर क्यों चढ़ा था। उसके बाद में जाँच उपरांत आपको बताएगा।